जय हिंद। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो ह्यूमन स्केलेटन से छूटा हुआ पार्ट था। ह्यूमन स्केलेटन दो पार्ट में विभाजित था, एक था इग्जो स्केलेटन सिस्टम, एक था इंडो स्केलेटन सिस्टम। इग्जो स्केलेटन सिस्टम में किसी जैसे गाय भैंस का खोर, सींग, नाखून, ये सब आते हैं। और जो इंडो स्केलेटन सिस्टम था यह दो पार्ट में विभाजित था, एक था कार्टिलेज, एक था 206 बोन। जो 206 बोन थे वे दो पार्ट में विभाजित थे, एक का नाम था अपलेंडिकुलर बोन, एक का नाम था एक्सियल बोन। तो अपलेंडिकुलर बोन में चार प्रकार के बोन पाए जाते हैं, एक था अपर लिम्ब, एक था लोअर लिम्ब, एक था अपर लिम्ब, एक था लोअर लिम्ब्स, और एक था पेक्टोरल गिर्डल और था पेल्विक गिर्डल। जो अपलेंडिकुलर बोन था इसमें टोटली बोन की संख्या 126 थे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो उसमें दूसरा पार्ट है एक्सियल बोन, जिसकी संख्या 80 है। तो आइए उसके बारे में पढ़ते हैं। अगर आप लोग पिछला लेक्चर नहीं देखे होंगे तो प्लीज जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने जो अभी तक जितना बताया वह सब उसमें पढ़ा दिया हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जो इंडो स्केलेटन सिस्टम यह दो पार्ट में था, एक था सम कार्टिलेज और एक था 206 बोन। और जो 206 बोन थे यह दो प्रकार में थे, एक था अपलेंडिकुलर और एक था एक्सियल बोन। जो अपलेंडिकुलर बोन था इसकी संख्या 126, जो एक्सियल बोन था इसकी संख्या 180। और इसमें चार प्रकार की हड्डियां पाई जाती थी। एक था पहला वाला था अपर लिम्ब, दूसरा वाला लोअर लिम्ब, तीसरा वाला पेक्टोरल गिर्डल, चौथा वाला पेल्विक गिर्डल। तो इन सब के बारे में हमने जाना था। जो अपर लिम्ब थे उसमें हड्डियों की संख्या 60, लोअर लिम्ब में 60, इसमें 4, इसमें हड्डियों की संख्या 2। तो पूरा मिलाकर कितना हो जाएगा, 126 बोन। तो इन सभी के बारे में हम लोग पढ़े थे। अगर आप लोग ये वाला लेक्चर नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि इन सभी के बारे में हमने पिछले लेक्चर में बता दिया था। आज का जो हम लोगों का लेक्चर है वह केवल चलेगा एक्सियल बोन में, जिसमें हड्डियों की संख्या 80 होती है। तो आइए हम लोग एक्सियल बोन के बारे में पढ़ते हैं। तो जो एक्सियल बोन है इसका टोटली संख्या कितना होता है, 80। यह दूसरा वाला था एक्सियल बोन, 80। इसमें चार प्रकार की हड्डियां पाई जाती हैं, एक का नाम है स्कल, दूसरे का नाम वर्टिब्रल कॉलम तीसरे का नाम है स्ट्रम, चौथे का नाम है रिब्स। तो इसमें टोटली हड्डियों की संख्या कितना होता है, 80। तो जो इसका पहला पार्ट है स्कल, दूसरा है वर्टिब्रल कॉलम, तीसरा स्ट्रम, चौथा है रिब्स। तो अब आइए हम लोग सर्वप्रथम पहले वर्टिब्रल कॉलम के बारे में पढ़ेंगे, फिर स्ट्रम के, फिर रिब्स के, फिर सबसे अंतिम में स्कल के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग वर्टिब्रल कॉलम के बारे में। तो इसमें हम लोगों का दूसरे से स्टार्ट करेंगे। दूसरा जो है वह क्या है, वर्टिब्रल कॉलम। जो वर्टिब्रल कॉलम होता है इसे बोलते हैं रीढ़ की हड्डी, मतलब यहाँ हमारे गर्दन के नीचे से लेकर यहाँ तक की जो हड्डी पाई जाती है गर्दन के नीचे से, उसे बोलते हैं रीढ़ की हड्डी। तो जो रीढ़ की हड्डी होती है वह पांच भागों में विभाजित होती है। आइए उसका नाम लिखते हैं। यह जो होता है पांच भागों में विभाजित होता है। पहला क्या होता है, सर्वाइकल। दूसरा क्या होता है, थोरैक्सिस।
तीसरा क्या होता है लंबर, चौथा क्या होता है सेक्युलर, पांचवा क्या होता है कागजियल, कागजियल बोन। तो जो होता है वर्टिब्रल कॉलम रीढ़ की हड्डी, वह पांच भागों में विभाजित होती है। पहला होता है सर्वाइकल, दूसरा होता है थोरैक्सिस, तीसरा होता है लंबर, चौथा होता है सेक्युलर, पांचवा होता है कागजियल बोन। जो सेक्युलर बोन होता है इसकी संख्या कितनी होती है, सात होती है। जो थोरैक्सिस बोन होता है इसकी संख्या कितना होता है, बारह होता है। और जो लंबर होता है इसका संख्या पाँच होता है, और जो सेक्युलर होता है इसका संख्या पाँच होता है, एक होता है। और जो कागजियल बोन होता है इसका संख्या एक होता है। तो सेक्युलर बोन में हड्डियों की संख्या सात, तो टोटली वर्टिब्रल कॉलम में कितना हो जाएगा, सात पाँच बारह, बारह बारह चौबीस, एक पच्चीस, एक छब्बीस। तो इसमें जो है टोटली हड्डियों की संख्या, टोटल बोन, टोटल बोन कितने हो जाएंगे, छब्बीस। तो अब सबसे पहले आइए हम लोग सर्वाइकल बोन के बारे में जानते हैं। इसके ज़्यादा कुछ खास नहीं, सिर्फ इसका नाम याद रखना है। तो इसका नाम सर्वाइकल, थोरैक्सिस, लंबर, सेक्युलर, कागजियल, ये सब जो होते हैं वर्टिब्रल कॉलम में आते हैं। आप लोग यहाँ चित्र में देख सकते हैं इसकी संख्या कुछ इस प्रकार से बनी हुई है। जो इसमें आइए बनाते हैं, जैसे मान लीजिए ऐसे यह रीढ़ की हड्डी है, ऐसे रीढ़ की हड्डी है, ऐसे मान लीजिए रीढ़ की हड्डी है, तो एक से लेकर सात तक, एक दो तीन चार पाँच छः सात, इस हड्डी का क्या नाम है, इस हड्डी का क्या नाम है, इसका नाम है सर्वाइकल, इसका नाम है सर्वाइकल। फिर इसके बाद इसी प्रकार से सात से लेकर बारह तक, मतलब जो सात से लेकर बारह तक यह हुआ सात, मतलब एक दो तीन चार पाँच छः सात। फिर आइए ऐसे हड्डी को बनाते हैं, आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह। तो सात से लेकर बारह तक, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो हड्डी है इसका क्या नाम है, इसका नाम है थोरैक्सिस, इसका नाम है थोरैक्सिस। फिर इसके बाद बारह से लेकर के एक दो तीन सोलह सत्रह, एक दो तीन चार पाँच। तो बारह से लेकर के बारह तक जो होता है इसका, एक से लेकर सात तक सर्वाइकल बोन, फिर सात से लेकर बारह तक थोरैक्सिस बोन, फिर तेरह से लेकर के सत्रह तक, तेरह से लेकर के सत्रह तक, मतलब एक दो तीन चार पाँच, जो पांच हड्डी होती है इसका संख्या कितना हो गया, सात, इसका संख्या हो जाएगा बारह। तो एक एक दो तीन चार पाँच छः, अभी गाय जो और बड़ा होगा, एक यहाँ से नहीं या यहाँ से लिया जाएगा, आठ से। तो आठ मतलब एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, यहाँ तक की जो हड्डी, यहाँ तक इसमें टोटली हड्डियों की संख्या बारह होता है। तो यह टोटली हड्डी कितना होगा, तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस ना। तो आठ से लेकर उन्नीस तक की जो हड्डी की संख्या होती है उसे बोलते हैं थोरैक्सिस। फिर इसके बाद उन्नीस से लेकर यहाँ तक जो पांच होगा, पांच हड्डी, बीस से लेकर के पच्चीस तक, बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस तक का जो हड्डी बोलते हैं इसे बोलते हैं सर्वाइकल, थोरैक्सिस, फिर इसके बाद लंबर, लंबर। फिर यहाँ पर एक हड्डी ऐसे पाई जाती है जिसका नाम है पच्चीस, और यहाँ पर एक हड्डी लंबी सी होती है जो छब्बीसवीं हड्डी है। तो जो पच्चीसवीं हड्डी है इसका नाम हो जाएगा सेक्युलर,
और जो 26वीं लंबी हड्डी है इसका नाम हो जाएगा कॉक्सियल, कॉक्सियल बोन। तो गाइज इस प्रकार से रीढ़ की हड्डी इतने कितनी संख्या होती है, इसकी 26 होती है। 1 से लेकर 7 तक की संख्या को सर्वाइकल बोलते हैं, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक इतने में 7 हड्डियाँ होती हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक की हड्डी को सर्वाइकल बोलते हैं, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक की हड्डी मतलब 12 हड्डियाँ जहाँ तक आ जाए, 12 हड्डियाँ मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की हड्डी को थोरैक्सिस बोलते हैं, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक की हड्डी को लंबर बोलते हैं, फिर इसके नीचे एक हड्डी पाई जाती है जिसका नाम है सेक्यूलर, फिर इसके नीचे एक हड्डी पाई जाती है जिसका नाम है कॉक्सियल। आप इसका वास्तविक चित्र यहाँ पर देख सकते हैं, 1 से लेकर 7 तक की इसकी संख्या हो जाएगा क्या, 1 से लेकर 7 तक सर्वाइकल, फिर इसके बाद 8 से लेकर 19 तक, 8 से लेकर 19 तक इसमें थोरैक्सिस, फिर इसके बाद और उसके 5 संख्या तक नीचे आएंगे तो लंबर हो जाएगा, फिर एक बार सेक्यूलर, फिर कॉक्सियल। आप इसका चित्र यहाँ पर देख सकते हैं। तो अब आइए हम लोग इसके आगे पढ़ते हैं। तो हमने वर्टिब्रल कॉलम के बारे में जान लिया, इसके हड्डियों में 4 इसके इसमें 5 प्रकार की हड्डियाँ पाई जाती हैं, सेक्यूलर थोरैक्सिस लंबर सेक्यूलर कॉक्सियल सर्वाइकल होगा, सर्वाइकल थोरैक्सिस लंबर सेक्यूलर कॉक्सियल, सर्वाइकल थोरैक्सिस लंबर सेक्यूलर कॉक्सियल। इसके हड्डियों की संख्या है तथा इसमें टोटली हड्डियों की संख्या कितनी होती है, टोटली हड्डियों की संख्या 26 होती है, 26 होती है। अब आइए हम लोग इसके आगे की तरफ जो स्ट्रम है, स्ट्रम के बारे में जानते हैं। तो गाय जो एक्सियल बोन होता है, एक्सियल बोन में जो तीसरा बोन होता है, एक्सियल बोन में जो तीसरा बोन होता है इसका नाम क्या है, स्ट्रम। इसका क्या नाम है, स्ट्रम। तो आइए स्ट्रम के बारे में जानते हैं। गाय जो स्ट्रम होता है ना, यहाँ हमारे चेस्ट से होते हुए यहाँ तक की जो हड्डी होती है इसे ही स्ट्रम बोलते हैं। इसका संरचना कुछ इस प्रकार से होता है, इसका संरचना कुछ इस प्रकार से होता है, जो स्ट्रम होता है इसका संरचना कुछ इस प्रकार से होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक होता है और इसमें केवल हड्डियों की संख्या 1 होता है और इसका नाम क्या है, स्ट्रम। भले गाइस इसकी संख्या 1 है लेकिन यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि पहला इसी में अस्थि मज्जा का निर्माण होता है, अस्थि मज्जा पाया जाता है, अस्थि मज्जा। दूसरा अस्थि मज्जा से ही खून का निर्माण होता है। तीसरा अगर कभी भी व्यक्ति को खून का यहाँ पर निर्माण होगा, यहाँ पर अस्थि मज्जा पाया जाता है, अस्थि मज्जा में खून का निर्माण होगा, अगर कभी भी ब्लड कैंसर किसी व्यक्ति को होता है तो सर्वप्रथम यहीं का ब्लड निकालकर उसका जांच करते हैं। तो ब्लड कैंसर के लिए यहीं से सर्वप्रथम खून निकालते हैं, ब्लड कैंसर की जाँच के लिए, जांच के लिए खून यहीं से निकालते हैं, खून यहीं से निकालते हैं। चौथा इसे टाई बोन भी बोलते हैं, इसे टाई बोन के भी नाम से जाना जाता है। तो गाइस यह है स्ट्रम, स्ट्रम यहाँ से लेकर यहाँ तक केवल 1 हड्डी होती है, इसका नाम है स्ट्रम। इसी में अस्थि मज्जा बनता है, अस्थि मज्जा में ही ब्लड का निर्माण होता है। अब ब्लड का मेन जो मेन मतलब मान लीजिए मेन फैक्ट्री जो है वो यहाँ पर है। अब मेन फैक्ट्री में अगर किसी भी प्रकार का कोई डिजीज होता है तो उसके निवारण के लिए सर्वप्रथम यहीं से ही, अगर ब्लड कैंसर हुआ तो यहीं से ऐसे सुई को यहाँ पर डालेंगे, फिर इसके बाद ब्लड को निकालेंगे और उसका जांच करेंगे। तो सर्वप्रथम अगर ब्लड कैंसर हुआ है तो ब्लड को यहीं से लेंगे। तो यह हो गया स्ट्रम, स्ट्रम की संख्या कितना होता है, केवल 1 होता है, स्ट्रम की संख्या कितना होता है, केवल 1 होता है। फिर इसके बाद इसमें चौथा था, चौथा क्या था, रिप्स, जिसे हम लोग बोलते हैं पसलियाँ, रिप्स जिसे बोलते हैं पसलियाँ। तो गाय जो रिप्स होता है वह 3 प्रकार का होता है। पहला होता है ट्रू रिप्स, ट्रू रिप्स इनका संख्या कितना होता है, 1 से 7 पेयर। फिर इसके बाद दूसरा होता है फॉल्स रिप्स, इसका कितना होता है, 8 से 10 पेयर। फिर तीसरा होता है फ्लैटेड रिप्स,
इसका संख्या होता है 11 से 12 पेयर, 11 से 12 पेयर। तो गाय जो रिब्स होता है, जो रिब्स होता है वह तीन प्रकार का होता है। एक होता है ट्रू रिब्स जिसकी संख्या 1 से 7 पेयर, दूसरा होता है फॉल्स रिब्स जिसकी संख्या 8 से 10 पेयर, और जो तीसरा होता है फ्लैटेड रिब्स जिसकी संख्या 11 से 12 पेयर होती है। यह रिब्स कैसे होती है, आइए यहाँ पर चित्र आपको बना है देख लीजिए। जो 1 से लेकर के 7 तक यहाँ पीछे से और आगे से, मतलब जैसे मान लीजिए यह स्ट्रम, आइए बनाते हैं। सर्वप्रथम पहले स्ट्रम बना लें, मान लीजिए यह स्ट्रम है और ठीक इसी के पीछे ऐसे यह रीढ़ की हड्डी है, ऐसे यह रीढ़ की हड्डी, गाइस यह है रीढ़ की हड्डी, यह है रीढ़ की हड्डी और यह है स्ट्रम। आइए स्ट्रम को थोड़ा सा पेंट कर देते हैं। तो गाइस यह है स्ट्रम और जो यह सामने वाला क्या है स्ट्रम, और यह क्या है वर्टीब्री कॉलम। तो गाय जो ट्रू रिब्स है, मतलब जो ट्रू रिब्स है वह वर्टीब्री कॉलम से ऐसे आकर के हमारे स्ट्रम से जुड़ी रहेंगी, ऐसे वर्टीब्री कॉलम से होकर के हमारे ऐसे आकर के यहाँ पर हमारे स्ट्रम से जुड़ी रहेंगी ऐसे, या हमारा हुआ स्ट्रम, स्ट्रम से ऐसे डायरेक्ट जुड़ी रहेंगी। तो कितना हुआ, 1 हुआ 2 हुआ 3 4 5 6 एक हड्डी और हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 तो यह इस साइड 7 है, ठीक इसी प्रकार से इस साइड भी 7 होगा। तो इसका मतलब यह 7 पेयर में होंगे, 1 से लेकर 7 पेयर। तो टोटली हड्डियों की संख्या यहाँ पर कितना हो जाएगा, 14। क्या होता है जो ट्रू रिब्स होता है, जो ट्रू रिब्स होता है वह क्या होता है पीछे के, मतलब यह जो रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी से डायरेक्ट हमारे स्ट्रम से जुड़ा रहता है, रीढ़ की हड्डी से डायरेक्ट हमारे स्ट्रम से जुड़ा रहता है। इसका रियल चित्र आप यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर रीढ़ की हड्डी से 7 हड्डियाँ, रीढ़ की हड्डी से 7 हड्डियाँ वर्टिब्रल कॉलम से 7 हड्डियाँ स्ट्रम से जुड़ी हैं, जिसे बोलते हैं ट्रू रिब्स। तो ट्रू रिब्स किसे बोलते हैं, पहला वाला जो है ट्रू रिब्स, ट्रू रिब्स, तो यह वर्टीब्रल कॉलम से सीधा स्ट्रम से जुड़ा होता है, सीधा स्ट्रम से जुड़ा होता है, सीधा स्ट्रम से ऐड होता है, जिसके कारण इसे वर्टीब्री, जिसके कारण इसे वर्टीब्री स्ट्रम रिब्स बोलते हैं, स्ट्रम रिब्स बोलते हैं। ट्रू रिब्स का एक नाम और है जिसके कारण इसे वर्टीब्री स्ट्रम रिब्स बोलते हैं। तो ट्रू रिब्स बस क्या है, सीधा वर्टीब्री कॉलम से स्ट्रम से हड्डियां जुड़ी होती है तो इसे ट्रू रिब्स बोलते हैं। और फॉल्स रिब्स क्या होता है कि मान लीजिए यह क्या हो गया, जैसे मान लीजिए यहां पर एक हड्डी ऐसे बना हुआ है ना, यह 7वां पेयर है ट्रू रिब्स का, 7वां पेयर डायरेक्ट यह वर्टीब्रल कॉलम से यहाँ पर आकर के स्ट्रम से जुड़ा हुआ है। अब इसका एक भाग यहां से यहां तक के एक भाग को क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं कोंडेला। गाइस यह जो भाग है इसे बोलते हैं कंड्रा, कंड्रा। तो अब यह जो कंड्रा है यह पसलियों का सब में होगा, यहाँ पर ऐसे होगा, यहाँ यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर रियल चित्र बना हुआ है आप लोग देख रहे हैं। तो जो कंड्रा है अब देखिए पीछे से इसमें 3 हड्डियाँ, पीछे से 3 हड्डियाँ आकर के यहीं पर ऐसे जुड़ी हुई हैं, कंड्रा से जुड़ी हुई हैं। आप लोग यहाँ पर रियल चित्र देखिए, तो यहाँ पर जो 7 पैर के नीचे हड्डियाँ हैं
पीछे से आई हुई तीन हड्डियों जो है केवल एक रिब्स के वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ी हुई हैं, तो इसलिए इसे फाल्स रिब्स बोलते हैं। और फाल्स रिब्स का एक नाम और क्या होता है, तो जो फाल्स रिब्स है दूसरा वाला फाल्स रिब्स। तो फाल्स रिब्स की संख्या कितनी है, 8 से 10 पेयर, मतलब 8 से 10 पेयर, मतलब 3 पेयर, 3 पेयर में टोटली हड्डियों की संख्या 6, तो इसमें 6 हड्डियां हो गए। और क्या हो गया, देखिए आप लोग यहाँ पर चित्र में पीछे से आई हैं और रिब्स के कंडरे से जुड़ी हुई, रिब्स के कंडरा से जुड़ी हुई है, तो इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, वर्टिब्रिक कंडरा रिब्स। और जो ट्रू रिब्स हैं वह डायरेक्ट पीछे से आई हुई हैं, स्टर्म से जुड़ी हुई हैं, इसलिए उसका नाम वर्टिब्री स्टर्म रिब्स। और यह डायरेक्ट पीछे वर्टिब्री कॉलम से होते हुए आकर के यहाँ पर एक रिब्स के कंडरा से जुड़ी हुई हैं, तो इसीलिए इसे क्या बोलेंगे, वर्टिब्री कंडरा रिब्स। तो इसका एक नाम और क्या है, वर्टिब्री कंडरा रिब्स। फिर गाइज इसके बाद जो तीसरा वाला है जिसका नाम है फ्लैटेड रिब्स, आप लोग यहाँ पर चित्र में देख रहे हैं कि यहाँ पर यह हड्डियाँ यहाँ पर पाई जाती हैं, देखिए यहाँ पर ऐसे खाली हैं, सामने तक नहीं आई है, मतलब केवल डायरेक्ट वर्टिब्रे से होते हुए ऐसे सिर्फ ऐसे खुले रहेंगे, मतलब मान लीजिए यहाँ पर आप लोग चित्र में देख रहे हैं ना, तो डायरेक्ट वर्टिब्रे से होते हुए सामने देखिए दो हड्डियाँ नीचे की से दो हड्डियाँ वर्टिब्रे से होते हुए ऐसे सामने यहाँ पर केवल ऐसे खुले हुई हैं, तो इसे बोलते हैं फॉल्स रिब्स। तो जो हड्डियाँ देखिए डायरेक्ट आकर के वर्टिब्रे से स्ट्रम से जुड़ी हैं उसे ट्रू रिब्स, इसकी संख्या 7 पेयर तक। फिर इसके नीचे आइए देखिए चित्र में, तो जो वर्टिब्री कॉलम है वहाँ से आकर 3 हड्डियाँ इसके रिब्स कंडरा से जुड़ी हैं, रिब्स के कंडरा से जुड़ी हैं, तो इसे फाल्स रिब्स बोलते हैं। और नीचे पर यहाँ पर 2 हड्डियाँ हैं, देखिए जो 2 हड्डियाँ हैं ये किसी से नहीं जुड़ी हैं, यहाँ पर ऐसे खाली आकर पड़ी हैं, तो इसे बोलते हैं फाल्स रिब्स। तो दोस्तों आप लोग चित्र में समझ गए होंगे, अब आइए हम लोग वर्टिब्रल कॉलम के बारे में जान लिए, रिब्स के बारे में जान लिए, अब इसके बाद आइए इसका जो नेक्स्ट पार्ट है स्कल, आइए इसके बारे में जानते हैं। स्कल जो है खोपड़ी, वर्टिब्रल कॉलम के बारे में जाने, स्ट्रम के बारे में जाने, रिब्स के बारे में जाने, अब आइए हम लोग स्कल के बारे में जानते हैं। तो अब आइए हम लोग जो पहला वाला है स्कल खोपड़ी, आइए इसके बारे में जानते हैं। जो स्कल है, तो जो स्कल है, स्कल जो है वह 4 भागों में विभाजित है। स्कल तो जो स्कल है वह 4 भाग में विभाजित है। पहला वाला इसमें क्या हो जाएगा, क्रेनियम बोन। दूसरा हो जाएगा फेसियल बोन। तीसरा हो जाएगा हाइड बोन। चौथा हो जाएगा ईयर ऑसिकल्स बोन। तो जो क्रेनियम बोन होता है, इसका संख्या कितना, इसका संख्या होता है 8, और जो फेसियल बोन होता है इसका संख्या होता है 12, और जो हाइड बोन होता है इसका संख्या होता है 1, और जो ईयर ऑसिकल्स होता है इसका संख्या होता है 3। तो 2 कान होते हैं, तो 2 कान के लिए यहाँ पर 6 हो जाएगा। तो जो क्रेनियम बोन होता है इसका संख्या होता है 8, और जो फेसियल बोन होता है इसका संख्या होता है 14। फेसियल बोन 14, हाइड बोन 1, ईयर ऑसिकल्स बोन 6। तो जो स्कल होता है इसमें इतने प्रकार के हड्डियाँ पाई जाती हैं। तो आप लोग पहले हम लोग पढ़ेंगे क्रेनियम बोन के बारे में। तो जो स्कल है वह 4 प्रकार के बोन में है, पहला है क्रेनियम, दूसरा है फेसियल, तीसरा है हाइड, चौथा है ईयर ऑसिकल्स बोन। तो जो क्रेनियम बोन है वह क्रेनियम बोन पहला वाला इसकी संख्या कितना है, 8 है।
तो यह जो क्रेनियम बोन है यह इसमें 6 प्रकार के हड्डियां पाई जाती हैं। क्रेनियम बोन में 6 प्रकार के हड्डियां पाई जाती हैं। आइए इसका नाम लिखते हैं। तो जो क्रेनियम बोन है, पहले जो क्रेनियम बोन है जिसे बोलते हैं क्रेनियम बोन, यहां पर जो हड्डी पाई जाती है इसका नाम है फ्रंटल बोन। यहाँ पर ये दोनों साइड, यहाँ पर एक हड्डी का नाम टेम्पररर, तो यहाँ पर भी एक हड्डी होती है इसका नाम हो जाएगा टेम्पररर। तो सामने क्रेनियल बोन, यहाँ पर टेम्पररर बोन, फिर पीछे यहाँ पर एक हड्डी पाई जाती है जिसका नाम है कॉक्जियल बोन। तो यहाँ पर हुआ फ्रंटल, यहाँ पर टेम्पररर, यहाँ पर कॉक्जियल, फिर इसके बाद यहाँ पर जो यहाँ पर ऐसे दो हड्डियाँ पाई गई हैं इसका नाम है पेराइटल। इसका क्या नाम है? पेराइटल। फिर इसके बाद यहाँ पर इसके अंदर खोपड़े के अंदर दो हड्डियाँ पाई जाती हैं जिसका नाम है स्फेनॉइड एंड इथेनॉइड। तो आइए इसे लिखते हैं। तो पहला इसमें कौन सा बोन हो जाएगा? फ्रंटल बोन, फ्रंटल बोन। दूसरा कौन सा हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा टेम्पररर बोन। तीसरा हो जाएगा ऑसिपिटल बोन, ऑसिपिटल बोन। चौथा हो जाएगा पेराइटल बोन, पेराइटल बोन। पांचवा हो जाएगा स्फेनॉइड बोन। और छठवा हो जाएगा इथेनॉइड बोन। तो गए जो फ्रंटल बोन पाया जाता है यहां पर, तो इसके संख्या केवल कितना होगा? एक होगा, या अकेले होता है, इसका संख्या हुआ एक। सामने है, फ्रंट में है, या फ्रंट में है, तो इसलिए इसे क्या बोलेंगे? फ्रंटल बोन। और यहाँ पर जैसे लोग जब गुस्साते हैं तो यहीं पर ऐसे, मतलब यहीं पर दर्द होता है, मतलब टेम्परेचर अत्यधिक यहीं पर होता है। जब कभी भी किसी को बुखार होता है तो टेम्परेचर सबसे अधिक यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर टेम्परेचर हुआ, तो टेम्परेचर से क्या नाम हो गया? टेम्पररर। टेम्परेचर यहीं पर होता है। जब कभी भी सर दर्द होता है तो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर यहीं पर होता है, तो टेम्परेचर से क्या याद रखेंगे? यहाँ पर टेम्पररर बोन। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? फ्रंटल, या सामने है तो यह फ्रंटल बोन, और यह क्या हो जाएगा? टेम्पररर बोन। फिर इसके नीचे यहाँ पर ऑसिपिटल बोन। कुछ लोग बोलते हैं मार मार बेहोश हो जाओगे, मतलब यहाँ पर जब मारेंगे तो यहाँ पर बेहोश आदमी कब होता है? जब उसे ऑक्सीजन नहीं मिलता है। तो यहाँ पर जब मारेंगे तो मतलब यहाँ पर अगर मारेंगे बेहोश हो जाएंगे, तो मतलब ऑक्सीजन की कमी से, तो ऑक्सीजन से क्या हो जाएगा? ऑसिपिटल। यहाँ पर जो बोन पाया जाता है, अगर मारेंगे तो ऑक्सीजन की कमी होगी, तो ऑक्सीजन से क्या हो जाएगा? ऑसिपिटल। तो यहाँ पर बोन कौन सा हो जाएगा? ऑसिपिटल। और टेम्परेचर सबसे ज़्यादा यहाँ पर, तो टेम्पररर बोन। एक यहाँ पर, टोटली इसकी संख्या कितनी हो जाएगी? दो। और जो ऑसिपिटल है यहाँ पर केवल इसकी संख्या एक है। ऑसिपिटल यहाँ पर मारने पर लोग बोलते हैं ना, यहाँ पर मत मारो, बेहोश हो जाएंगे। तो यहाँ पर जब मारेंगे तो व्यक्ति बेहोश कब होता है? जब उसे ऑक्सीजन की कमी होती है। तो ऑक्सीजन से क्या हो जाएगा? ऑसिपिटल। तो ऑसिपिटल जो होता है उसकी संख्या होती है एक। और जब पेरी मतलब किनारा होता है, पेरी मतलब अगर बायोलॉजी में देखेंगे तो पेरी मतलब किनारा होता है। तो पेरी मतलब किनारा, तो यहाँ पर किनारे पर, यहाँ पर ऐसे कुछ लोग तेरे नाम बार झाड़ते हैं, तो यहाँ से देखेंगे ऐसे किनारे पर दो हड्डी होती है, एक हड्डी यहाँ पर, एक हड्डी यहाँ पर, ये एक हड्डी यहाँ पर, एक हड्डी यहाँ पर। पेरी मतलब किनारा, तो पेरी से क्या हो जाएगा? पेराइटल बोन। तो पेराइटल बोन की संख्या कितनी हो जाएगी? दो हो जाएगी। फिर इसके बाद आता है स्फेनॉइड, इसके अंदर होता है स्फेनॉइड, और इधर होता है इथेनॉइड, मतलब खोपड़ी के अंदर दो हड्डियाँ होती हैं, एक का नाम है इससे स्फेनॉइड, एक का नाम है इथेनॉइड। इनकी संख्या एक, इनकी संख्या एक। तो टोटली क्रेनियम बोन में कितनी संख्या हो जाएगी? आठ। एक दो एक तीन, एक चार दो छः दो आठ। तो क्रेनियम बोन में बोन की संख्या कितना हो जाएगा? आठ हो जाएगा। इसे याद कैसे करेंगे? यहाँ पर सामने या फ्रंट है, फ्रंट से फ्रंटल बोन। जब व्यक्ति बीमार होता है टेम्परेचर सबसे ज़्यादा यहाँ पर होता है, तो टेम्पररर बोन। अगर लोग मारते हैं यहाँ पर तो कहते हैं बेहोश हो जाएंगे। अब व्यक्ति बेहोश कब होता है? जब ऑक्सीजन की कमी, तो ऑक्सीजन से ऑसिपिटल। पेरी मतलब किनारा होता है, तो यहाँ पर ये किनारे पर हड्डियाँ हैं,
तो इससे क्या हो जाएगा, पेराइटल हो जाएगा। फिर इसके अंदर स्फेनॉइड एंड इथेनॉइड दो हड्डियां पाई जाती हैं। तो इस प्रकार से क्रेनियम बोन में हड्डियों की संख्या होती है 8। और अगर आप लोग इसे देखना चाहते हो तो यहाँ पर चित्र में देख लीजिए, सामने क्या है, फ्रंटल बोन है, ऊपर क्या है, पेराइटल बोन है, और इसके सामने यहाँ पर क्या है, टेम्पररल बोन, पीछे की तरफ इस पीछे की तरफ ऑसिपिटल बोन, एंड इसके अंदर जो है इथेनॉइड एंड स्फेनॉइड बना हुआ है। तो अब आइए हम लोग जानेंगे फेसियल बोन, फेसियल बोन, फिर हाइड बोन, फिर ईयर आर्टिकल्स बोन। तो जो फेसियल बोन होता है, फेसियल बोन वैसे हमारे टॉपिक में उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो हम लोग इसके बारे में उतना ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। इसके बाद आइए हम लोग तीसरा पढ़ते हैं, हाइड बोन। तो जो तीसरा वाला इसमें है हाइड बोन, हाइड बोन, इसकी संख्या कितनी होती है, 1। ये यहाँ पर पाया जाता है, यहाँ पर ऐसे, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो इसका क्या नाम है, हाइड बोन, हाइड बोन का ही नाम हाइड बोन है। तो इसमें केवल एक हड्डी पाया जाता है, उसका क्या नाम है, हाइड बोन, खुद ही उसका नाम हाइड बोन है। इसका संख्या हो गया 1। फिर इसके बाद चौथा आता है इसमें ईयर ऑसिकल्स, ईयर ऑसिकल्स। तो जो ईयर ऑसिकल्स होता है इसमें 3, जो हमारा कान होता है, कान के अंदर जो स्वर उत्पन्न करते हैं, मतलब जो स्वर बाहर से जाता है उसको सुनने के लिए कंपन उत्पन्न करते हैं, तो उन हड्डियों को हम लोग क्या, उसका नाम है, इसका एक का नाम है मैरियस, मैरियस इंसटस, मैरियस इंसटस, इंसटस एंड स्टैपिस। तो मैरियस की संख्या 1, इंसटस की संख्या 1, स्टैपिस की संख्या 1। तो जो ईयर आर्टिकल्स होते हैं इसमें 3 प्रकार की हड्डियां पाई जाती हैं। तो जो कान है, कान में 3 प्रकार की हड्डियां, मैरियस इंसटस स्टैपिस। तो 2 कान है, तो 2 कान में, एक कान में 3 हड्डी, तो 2 कान में 6 हड्डी। तो इसमें टोटली हड्डियों की संख्या कितना हो जाएगा, 6। ऐसे मान लीजिए इसकी संरचना कुछ इस प्रकार से होती है, मान लीजिए मैरियस है, इसके बाद यहाँ पर इंस्टस है, और यहाँ पर स्टैपिस है। जब बाहर से स्वर जाता है तो यहाँ पर ऐसे कंपन उत्पन्न होता है। ये जब आपको कान के बारे में पढ़ाएंगे तो उसके बारे में बताएंगे, तो कान में ये हड्डियाँ 3 पाई जाती हैं, ये मैरियस इंस्टस स्टैपिस। तो इसकी संख्या कितना होता है, 6। और उसके बाद हाइड बोन है, हाइड बोन की संख्या 1 हो जाएगा, क्रेनियम बोन में 8 बोन, तो और फेसियल बोन में 14 बोन पाए जाते हैं। आइए फेसियल बोन के बारे में भी जान लेते हैं। तो दूसरा वाला जो है वह क्या है, फेसियल बोन, फेसियल बोन। तो पहला वाला इसमें क्या हो जाएगा, लैक्रिमल बोन, लैक्रिमल बोन। दूसरा वाला क्या हो जाएगा, नेथल बोन, नेथल बोन। तीसरा वाला क्या हो जाएगा, जाइगोमोटिक बोन, जाइगोमेटिक बोन, जाइगोमेटिक बोन। फिर चौथा वाला क्या हो जाएगा, मैक्सिला बोन। पांचवा वाला क्या हो जाएगा, मेंडिबल बोन, मेंडिबल बोन, मेंडिबल बोन। तो यहाँ पर टोटली हड्डियों की संख्या होता है 5, एक हड्डी और होता है मेंडिबल बोन, और इसके बाद होता है ऑसिपिटल कोडियल। गाइज वैसे वह एग्जाम की दृष्टि से उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसमें हड्डियों की संख्या 14 है ना, तो इसमें ये हड्डियों का कोई उतना नंबरिंग करना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसे रहने देते हैं। सिर्फ इसके नाम के बारे में जान लीजिए, लैक्रिमल, नेथल, जाइगमोटिक, मैक्सिला, मेंडिबल, ऑसिपिटल कॉर्डियल। और जो यह होता है क्रेनियम बोन, इसमें 8 होता है, इसमें हड्डियाँ दिखाई जा सकती हैं। यहाँ पर 1, 2, 3 इसकी संख्या होती है, और इसकी संख्या 14 होती है, और इसकी संख्या 6, इसकी संख्या 1। टोटली मिलाएंगे तो स्कल में कितनी हड्डियाँ होती हैं, 14, 14, 6, 20, 20, 2, 22, 22, 23, 23, 6, 29,
तो टोटली स्कल में कितनी हड्डियां होती हैं? 29 होती हैं। स्कल में टोटली हड्डियों की संख्या 29 होती है। तो गाइज आप लोग इसके बारे में जान गए, और यहाँ पर चित्र बना हुआ है, आप लोग देख सकते हैं क्रेनियम बोन के इतने भाग होते हैं, इसके बाद ईयर स्कल्स के इतने भाग हैं, हाइड बोन के इतने भाग हैं और फेसियल बोन के इतने भाग हैं। तो आप लोग इसके बारे में जान गए। तो दोस्तों बस आज का वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।